अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी तो हस्बैंड ने कहा कि पहले चाय बना लें, तो बस फटाफट से चाय बनाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने ईद के लिए कौन कौन सी शॉपिंग की है। रेडी हो चुकी है, तो चलिए फिर हम देखते हैं कि ईद के लिए हमने कौन सी शॉपिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें मैंने जो ईद के लिए ली हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो है मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली है और ये है मेरी बेटी के कपड़े, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये है सारी शॉपिंग जो मैंने ब्लेवर्ड मॉल से की थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं ईद से पहले आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है मेरे दो ड्रेसेस जो कि मैंने बनिंदा से लिए थे। फटाफट से शॉपर्स को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन ये सारी चीज़ें। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी बेटी के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, कौन से कपड़े उनके लिए लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी के कपड़े, मैं आपको ये ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये एक शर्ट है जो कि कुछ इस तरह से है, थोड़े से ये फैंसी मटीरियल पर बनी हुई है। स्टफ़ इसका बहुत अच्छा है, ये मैंने बच्चा पार्टी से ली है। नेक्स्ट मैंने एक और ये वाली शर्ट ली, ये भी बहुत प्यारी है और इस पर भी अच्छा सा एम्बोज जो है वो ग्लिटर से थोड़ी इसकी प्रिंटिंग थी, बहुत प्यारी लग रही है ये भी शर्ट। और ये वाली शर्ट मैंने अपनी बेटी को बर्थडे पे पहनाई थी, वो भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट ये वाली शर्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। गर्मियों में ज़्यादा डार्क कलर्स में बिल्कुल नहीं लेती, ना मैं अपने लिए लेती हूँ ना ही अपने बच्चों के लिए। तो ये भी लाइट कलर की स्काई कलर है इसका, बहुत प्यारी और इस पर भी बहुत अच्छा फ्रंट और डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ईद पे फर्स्ट डे पे पहनने के लिए मैंने इसका जो है शलवार कमीज़ लिया है, कुर्ता शलवार, ये फर्स्ट डे के लिए मैंने लिया है। ये भी मैंने बच्चा पार्टी से ही लिया, बहुत अच्छी इसकी डिटेलिंग बनी हुई है फ्रंट पे, फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है, प्रिंट भी कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। शॉर्ट लेंथ में ये शर्ट है और फुल स्लीव्स के साथ है। इस पे पहनने के लिए मैंने बॉटम लिया है, शलवार की तरह इस तरह से बनी हुई है ये और एम्ब्रॉयडर्ड है। उसके अलावा ये मैंने कुछ शलवारें बहुत अच्छी स्टिच थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी डिटेलिंग के साथ और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो ये दो शलवारें वाइट और ब्लैक जो है वो थोड़ी सी कॉमन होती हैं, बहुत सारे कुर्तों पे जो है इस चल जाती हैं तो बहुत चाहिए होती हैं बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें। तो मैंने दो शलवारें ले ली और स्लीपर्स मैंने ये वाले लिए, एक मैंने जो बस लिया था पिंक वाला वो हमने पहले ही निकाला हुआ था, वो अकेडमी पहन के जाती है डेली। थोड़ी सी ज्वेलरी मैंने बच्चा पार्टी से ली है और कुछ ज्वेलरी जो है मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी वो मैंने आपको दिखाई थी। और ये कुछ क्लिप्स भी मैंने ली है और एक दो हेयर बैंड्स। ये दो पेंटें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने एक ब्रेकआउट से ली है। लूज कट पे ये पेंट बनी हुई है फ्लेपर की तरह, बहुत अच्छी लगती है बच्चियों को पहने हुए। और दूसरी जो पेंट है ये मैंने 1PK से ली थी और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और सेल में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिली थी। ईद पे
दावतें वगैरह होती हैं तो उस हिसाब से मैंने इनके थोड़े ज़्यादा कपड़े ले लिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेटे के लिए कौन सी शॉपिंग की है। तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो लोकल मार्केट से भी बाय की थी, वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी। और ये कुछ चीज़ें मैंने ईद के हिसाब से इसके लिए ली हैं। ये पैंट मैंने बच्चा पार्टी से ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। और ये शॉर्ट्स है, गर्मियों में बच्चों पे शॉर्ट्स बहुत अच्छी स्टाइलिश लगती हैं। इनके अलावा मैंने एक इसकी ब्लैक कलर की भी शॉर्ट ली थी, वो आजकल वो पहन रहा है। शर्टें मैंने कुछ ज़्यादा ही ली थी, और गर्मियों में ये टी शर्ट्स बहुत ही बच्चे ज़्यादा पहनते हैं, गर्मियाँ बहुत हैं यहाँ पर, तो टी शर्ट्स जो हैं वो मैंने कुछ ज़्यादा ली थी। एक ये मैंने इस तरह से ब्लैक, इसका मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। एक शर्ट मैंने इस तरह से सेंडो में स्लीवलेस ली, ये भी बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। एक ये वाली शर्ट, ये भी मुझे पोलो स्टाइल में बहुत अच्छी लगी थी बच्चा पार्टी पे, तो ये भी इसका भी बहुत अच्छा प्रिंट है और अच्छा सा ठंडा ठंडा इसका कलर है। इसके अलावा ये शर्ट मैंने आउटफिटर से ली थी। एक मैंने इसका पूरा सूट लिया था शॉर्ट्स के साथ और टी शर्ट, ये भी बहुत प्यारा था, कैप्टन अमेरिका लिखा हुआ है इस पर, मेरे बच्चे का फेवरेट कैरेक्टर है ये। इस शर्ट के साथ शॉर्ट है, ये इस तरह से टू पीस बना हुआ सूट था, ये भी मैंने बच्चा पार्टी से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लिया है, बहुत प्यारा है ये, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों पे इस तरह से कपड़े। और ईद के फर्स्ट डे पे पहनने के लिए मैंने इसका कुर्ता और शलवार लिया है, ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा ये इसका कलर है, कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा, ऑफ वाइट सा इसका कलर है। और ये ट्राउज़र के साथ है, ये ईद के फर्स्ट डे के लिए मैंने लिया है। ईद के फर्स्ट डे पे शलवार कमीज़ कुर्ता शलवार ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये थी मेरे बेटे की शॉपिंग। अब मैं आपको अपने कपड़े जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ कि उन पे किस तरह से डिटेलिंग है। एक ये वाला ड्रेस है, इसका बहुत कलर लाइट है, लेकिन मैं अपने लिए गर्मियों में स्पेशली लाइट कलर्स ही लेती हूँ। वैसे भी मैं डार्क कलर्स नहीं लेती, लेकिन मुझे जो है गर्मियों में तो बिल्कुल भी डार्क कलर्स सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते। इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये इसकी स्लीव्स का लुक है और इस तरह से इसकी दामन कटवर्क की तरह बनी हुई है। गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही लाइट कलर, ठंडा सा इसका कलर है। और ये इसके साथ लूजिंग में प्लाजो बना हुआ था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने बुनेंजा से लिया है। शिफॉन का इसका दुपट्टा है प्लेन। दूसरा ड्रेस ये वाला है, ये भी मैंने बुनेंजा से लिया है और इसकी जो है नेक पे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही एलिगेंट सी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर इसका भी लाइट है, इस तरह से गोटे की डिटेलिंग के साथ इसकी स्टिचिंग है। सिंपल सा डिसेंट सा ये ड्रेस है, कलर भी इसका बहुत लाइट है, तो ये दोनों लाइट कलर के ड्रेस मैंने अपने लिए लिए हैं ईद के लिए। इसका भी ये लूजिंग में प्लाजो बना हुआ है सेल्फ फ्रंट में, और इसके दुपट्टे पे बहुत अच्छे जो है टसल्स लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे इसके टसल्स लगे हुए हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे, ये रेडी टू वेयर पूरा दुपट्टा भी था। ये मेरी बेटी की चूड़ियाँ, और ये जो है क्लिप्स छोटे से कैचर्स हैं, ये मेरी भाभी ने इसको बर्थडे पे दिए थे, ये भी बहुत प्यारे से हैं। और इसके अलावा ये मैंने अपने लिए दो ईयरिंग्स के पेयर लिए थे, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, मैंने आपको दिखाए थे, ये इन दोनों सूट के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ये है मेरी बेटी और बेटे का ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं ईद के फर्स्ट डे पे कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ,
तो कोई एक निकालूंगी और पहन लूंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको हमारे ईद के कपड़े कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।